जिला कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकरण में HRTC ने बस अड्डे पर अपनी रस्सी लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। बस अड्डे में नाका लगाने से ग्रामीणों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिस कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। यही नहीं, हर दिन मणिकरण बस अड्डे पर ग्रामीणों व HRTC कर्मियों में बहस भी हो रही है। दरअसल मणिकरण बस अड्डे RM के फरमान के बाद यहां पर बस अड्डे में प्रवेश करने के लिए वाहनों के 40 रूपए फीस वसूली जा रही है। दरअसल मणिकरण बस अड्डे RM के फरमान के बाद यहां पर बस अड्डे में प्रवेश करने के लिए वाहनों से 40 रूपए फीस वसूली जा रही है। जो भी वाहन बस अड्डे में प्रवेश करेगा उसे 40 रूपए एंट्री फीस देनी होगी। लेकिन HRTC प्रबंधन ये भूल गया है कि मणिकरण गांव को जाने का रास्ता ही बस अड्डे से है, जिस कारण विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि सरकार व HRTC के खिलाफ आंदोलन होगा और जनता की मांग नहीं मानी गई तो चुंगी उखाड़ दी जाएगी। जी, टैक्सी ऑपरेटर्स का डेपुटेशन यहाँ आया था तो मैं भी इनके साथ गया, इन्होंने आग्रह भी किया था, तो DC साहब ने हमने बात की कि भाई इनको जो है या तो जो पहले से जहाँ लगा रहे हैं टैक्सी 30 सालों से, जो अभी बस स्टैंड बना हुआ है, तो या तो वहीं लगाने दिया जाए या तो इनके लिए कोई ऐसा और जगह अरेंजमेंट किया जाए जहाँ जो है ऐसे 100-200 टैक्सी खड़ी जाए, क्योंकि मणिकरण एक टूरिस्ट स्पॉट है, जगह बहुत छोटी है और हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आता है और सड़कों में गाड़ियाँ लगेंगी तो वहाँ जाम की प्रॉब्लम रहती है। वैसे ही गुंतर से मणिकरण जो है जाम लगता है, 35 किलोमीटर को हमारे 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे लगते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी लगता है, तो पहले से ही जाम की समस्या है। और जब से HRTC ने वहाँ चुंगी लगा दी है, इनसे डेली 47 रुपये लेना शुरू कर दिया है, ये कभी काम भी नहीं होता, तो इतने देने में सक्षम भी नहीं है। इनकी मांग जो जेन्यून है, हमने DC साहब से बात की है तो DC साहब ने कहा है कि कोई मुझे अल्टरनेट ज़मीन बता दो, चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, वहाँ पर हम जो टैक्सी स्टैंड बनाएंगे। तो हमने आग्रह किया कि तब तक जो इनसे जो चुंगी वगैरह नहीं ली जाए जब तक वो दूसरा अरेंजमेंट नहीं होता है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, अगर आगे नहीं हुआ तो फिर हमारे जो और कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। तो हमारे को एक समस्या आई मणिकरण में, 1 तारीख को HRTC के कुछ कर्मचारी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुंगी लगेगी, तो हमने कहा उनसे कि देखो जी, हम 30 साल से यहाँ पर ये ऑफिस को चला रहे हैं, आप हमें नहीं खोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये ज़मीन हमारे को HRTC के विभाग को लॉट हो चुकी है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके कारण उन्होंने कहा कि अगर आपको गाड़ी अंदर लगानी है तो आपको 47 रुपये शुल्क भरना पड़ेगा ये पर डे का, तो टैक्सी वाले रोज़ रोज़ 47 रुपये भर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमने बाहर गाड़ी लगानी शुरू कर दी, तो बाहर बहुत बड़ी जाम की समस्या आ रही है। इस कारण हम DC महोदय से मिलने आए थे, DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि SDM साहब को मौके पर भेजेंगे, कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। देखो जी, सीजन के टाइम में मणिकरण में सबसे बड़ी समस्या होगी जाम की, जो टूरिस्ट एक बार आएगा दूसरी बार बोलेगा मणिकरण नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत जाम की समस्या रहेगी। चाहता हूँ कि हमारी जो पार्वती वैली की जो ब्रांच ऑफिस मणिकरण है, कि जल्द से जल्द हमारे को पार्वती जो पार्किंग का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स TV के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।